अब भिंती पे ब्लॉग आएंगे, आप देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा हमारे बारे में। रेडी भइसके अब यो चाहिँ म यो हाम्रो प्यारो बहिनी म जाने बेला सधैँ नै यसरी नै पठाएको मलाई धेरै खुसी लाग्यो। लास्ट मोमेन्टसम्म अद्भुत एकदम। नमस्ते बटालियनहरू, सो के छ खबर? आई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। तर यो ब्लग चाहिँ मेरो होइन होइन, यो ब्लग चाहिँ हाम्रो बहिनीहरूको दिदीको हो, हिरा बोहरा भन्ने च्यानलबाट आउँदैछ। न्यू ब्लग, न्यू डे। आज चाहिँ दादा आउनु भएको छ हामीलाई भेट्न, सरप्राइज हो। आज बाहिर मौसम चिसो चिसो छ, हामी चाहिँ यहाँ चिया खाइरहेछौँ। अनि के छ त हजुरहरूको हाल खबर? आई होप सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। तपाईँको चाय नै दिएर यही बोल्न फिल्टर लगाउनेहरूको त गयो बे के भन्छन् ब्यान गर्ने एउटा आकर्षण पनि पर्छ भन्नु। आफै फिल्टर लगाउने अनि उसलाई चाहिँ अब ब्यान्ड भएपछि म एडिटर हो, म फिल्टर युजर होइन। करोड दियो करोड तिमीलाई पनि हायर गर्नु पर्ला जस्तो छ। मेरो एडिटर हान्नु भन्न मलाई पनि चाहिरहेछ क्या विचार है आपका? ठीक है, मेरा यूट्यूब पे एडिटर का काम करोगी? ठीक है, सुनो दादा, ना ना दादा सुनो, वो तो ठीक है, इनकम सब यूट्यूब की हमारी होगी, आप बस क्लिक करो, बस हो गया, अर्निंग जो होगा वो हमारा होगा। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा तो नहीं होगा, करेंगे तो फिर सैलरी इस तरीके से करते 80-20 करते, मेरा 80 तुम्हारा 20। नहीं तो चैनल का ओनर तो मैं हूँगा ना, तो मेरा मतलब ही नहीं होगा। चलो ठीक है, छिटे आने को के वो गौर से देखो, किसी को पसंद हो तो कांटेक्ट कर कांटेक्ट करना। हाँ चलो, हम तो मुक्त में मिले हुए हो, हम कोई आके हमको उठा के ले जाओ, बार दो मम्मी दुल्हन बना दुल्हन नहीं। मेरे को लेने के लिए पहले वो सब्सक्राइब बटन दाबो और उसके बाद वो शेयर करो 10 लोगों को। इंडियन ऑडियंस लोग हम आ रहे हैं उधर इंडिया पे घूमने के लिए, वो मोटर ब्लॉग करके तब हम आप लोगों को भेटेंगे अपना यूट्यूब चैनल से। ओके, आर यू रेडी गाइस? भी जाऊंगी पीछे। हां, मैं भी उसको पीछे वो बैठा के उधर जाऊंगा, उसको व्हीलचेयर में बैठाऊंगा, उसके बाद तो बाइक के पीछे डालूंगा और वो रस्सी से बांध के चला के लेकर आऊंगा उधर इंडिया। अगर मैं आधे बाटे पे रास्ते फिर रह गई और आप आगे चले? नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा, लेकर जाएंगे किसी भी का, अपनी बहन को कहाँ बाटे रास्ते में छोड़ेंगे, बाटे में नहीं छोड़ेंगे, परात में छोड़ेंगे। हमको ज्यादा हिंदी बोलना तो नहीं आता, लेकिन भी बोल लेते थोड़ा थोड़ा, हमने पहले भी किया था वो हिंदी ब्लॉग बहुत ज्यादा, तो थोड़ा हमको इजी लगता है बोलने, उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होती। तोतले हो गए भाई आप तो। हाँ मैं तो तोतला अहिले चाहिँ म अब मेरो प्यारो बहिनीसँग पब्जी खेल्दैछु आफ्टर लङ टाइम। धेरै भए थियो पब्जीले पनि एकदम धेरै मिस गरेको थियो, मैले पनि पब्जीलाई एकदम धेरै मिस गरेको थिएँ, त्यही भएर पब्जीले पनि अलिअलि गाली गरे जस्तो लाग्यो। अनि बहिनी पनि खेल्दो रहेछ, अनि बहिनीसँग ट्याक्क भएर मिठो छोटो एउटा गेम हान्दिनँ भनेर हान्नु लाग्यो। यो चाहिँ म यो हाम्रो प्यारो बहिनी, बहिनी तिमीले त केटाको राखेको छौ त? केटा भने केटीको क्यारेक्टर हो, तर त्यो पुरानो सिजनको कपाल चाहिँ मैले कपाल छोडिदिएर केटा जस्तो लिडर भइसिन्छ है क्ल्यानको। यो किन्जाज भन्ने मेरो क्ल्यान हो नि त, कति मेम्बर छ यो किन्जाज भन्ने? फेरि ऊ हो के, यो किन्जाज भन्ने ऊ डान्स क्रु हो क्या, उहाँ युएसएको सबैजना, उनीहरूको म खतरा फ्यान हो क्या, त्यही भएर अलिअलि हल्का हल्का डान्स पनि चल्दा होइन, खेल्दै बस होइन। त्यो गेम कति दिनको केही थाहा छैन, अब सरकारले पब्जी बन्द गर्दै हुनुहुन्छ अरे, फेरि आउँछ मजा गर्नु हुँदैन जति जे गरे भने पनि भन्ने मात्र हो, यो टिकटक पनि गर्नुको कारण छ। देखौ प्रो हो नि, म पनि भाइ त प्रो हो, अब यहाँ मार्दै प्रो भनेर बहिनी कति किल गर्यौ? एक किल मात्र छ हजुर, मान्छे उमर झ कला खालि काम खाजा काम छैन यिनीहरूको, मान्छे मारे जस्तै हो, तिमी हेरेर बस्छ
मलाई आउँथ्यो के भन्छ अरे त्यसलाई नोब्रा भने कि के हो नोब्री नोब्री मलाई आएर नु भन्ने गेममा बिजी संसारमा गेमिङ चलिरहेको छ मेरो जिन्दगी गेम भएको छ खेल भएको छ त्यस्तो नभन न हो बहिनी जिन्दगी गेम त गेममै हो तर मनोरञ्जनवाला गेममा लिनु पर्थ्यो क्या यसले झगडा नगर नगरोस् मसँग मनको सुचेको सबै पुरा होस् मदेखि धेरै रिस उठ्छ यसलाई कति रिस आज के भएको थाहा छ उसले ऊ त्यो चस्मा चाहिँ अनलाइनदेखि मगाएको चस्मा मात्रै नहेर कि नानी त्यो भित्र मेरो आँखा पनि हेर कि खाजा खाने टाइम हो र यो ब्लग अपलोड भइसक्यो ब्लग हेर्नु पर्यो गएर हामी अरविन्दमा है गाइस यता चाहिँ हामी खाजा खाँदैछौँ म पनि खाँदैछु भाइ पनि खाँदैछ जैन त बोल्दै बोल्दैन त के भएको मसँग रिसा छौ क्या तिमी त जानु भएको एकदमै रमाइलो भयो आज तिन चार घन्टा गएको चाहिँ थाहै भएन अहिले चाहिँ 7 बजिसक्यो होइन 7 बजिसक्यो एकदमै रमाइलो भयो आज फेरि छिटै भेट होस् छिटै भेट्छौँ माया साथ सपोर्ट एकअर्कालाई गर्छौँ होइन त्यही हो भाइको तर्फबाट त के भनिदियो धेरै पछि भेटियो जस खुसी लागिरहेछ आनन्द आइरहेछ अब छिटो छिटो भेट्नु पर्छ दादाको मको छोटो हुन्न सम्रामा किन छिटो छिटो भेट्नु पर्छ धेरै धेरै माया है हाम्रो हिरा बोहरा च्यानललाई हाम्रो युट्युब अरविन्दको च्यानलबाट हिरा बोहराको च्यानललाई धेरै धेरै माया ल ओके ल धेरै माया गर्नुपर्छ खुसी लाग्यो आफ्नो लङ टाइम यहाँ भेट भएको सबैसँग जस फ्रेस फ्रेस भएको छु अब गएर म कता जान्छु थाहा छैन मलाई पनि त्यही हो सबैले माया साथ सपोर्ट किप लभिङ किप सेयरिङ किप कमेन्टिङ है स्ट्रङ ओके फुल स्ट्रङ बाई बाई दादा चिसो भयो बाइकमा झन् म यति खतरा हेलमेट ले रे म यति खतरा हट छु कि लाइक चिसो पनि मलाई लाग्दैन क्या आई एम अ हट गाई फ्रम अ हट प्लेस है हो नि म त रेडी भइसकेँ अब चलिदिनु पर्छ छिटै भेट्नुपर्छ फेरि अब छिटै भेट्नुपर्छ फेरि गाडीमा पठाएको आफू चाहिँ गाडीमा ओके अब गइहाल्नु त चिसो भयो दादा अब फेरि छिटै भेट्ने ओके ओके तर मलाई ड्युक कस्तो राम्रो लाग्छ कि छैन नि पुरै लुक हेर्नु न
Good, good boy. That's my brother. ऐसा होता है भाई ऐसा कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ ओके बाय दादा म जाने बेला सधैँ नै यसरी नै पठाएको मलाई धेरै खुसी लाग्यो लास्ट मोमेन्टसम्म अद्भुत आएको ओके बाई टेक केयर ल अब दादा गइसक्नु भएको छ र हामी तिनजना चारजना भाइ बहिनी चाहिँ यता बसेर गफ गरिरहेछौँ आजको दिन रमाइलो भयो त्यही गफ गरिरहेछौँ र मेन कुरा भन्दाखेरि हाम्रो इन्डियन भाइ लाइक बङ्गलादेशी भाइ पाकिस्तानी भाइ लाइक जो भी उर्दू जबान हिंदी जबान के थे लाइक लैंग्वेज के उन लोग भी बोल रहे थे कि हिंदी में ब्लॉग बनाओ हिंदी में तो हम पहले भी कंटिन्यू तो कर रहे थे बीच में गैप आ गया था मम्मी का प्रॉब्लम आ गया था और दीदी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी अपनी पढ़ाई की वजह से तो और कोशिश करेंगे कि हम डेली ब्लॉग लाइक रख पाए और आज से ही लाइक इसमें भी आज के वीडियो में भी है हिंदी में भी है आप लोग देखना लाइक आपको दिल को अच्छा लगे लाइक कोई वीडियो लाइक जो भी क्लिप हो ना अपने दोस्तों को शेयर करना कि हाँ एक फैमिली ऐसी है और ऐसे रहते हैं लाइक पुराने वीडियो भी जाके देखना सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना आप लोगों का प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है सो अब इतना ही बोलूँ मैं आज फर्स्ट टाइम बोली हूँ हिंदी में वो भी लाइक लग रहा है कि बड़ों की तरह बोली हूँ बट ये हकीकत बात बोली है मैंने अब उधर दीदी भाई लोग बैठे हैं आप क्या कहना चाहोगी मेरे को इतना मतलब टिकटॉक से लेकर मैं जिस ऐप पे भी जाती हूँ मेरे को ये बोल रहे थे कि आप उर्दू में वीडियो बनाओ हिंदी में बनाओ हमें आपके बारे में जानना है क्या प्रॉब्लम है तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मतलब ऐसी है कि पूरी फैमिली को प्रॉब्लम है और वो क्या प्रॉब्लम है वो आपको मैं कुछ बताती हूँ थोड़ा सा मतलब आज पहली बार है ना तो जितना हो सके मैं आपको थोड़ी सी बात शेयर करती हूँ आप लोग समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रही हूँ देखो और आपको कैसा लगता है कि इस फैमिली को प्यार चाहिए हमको इस फैमिली को प्यार देना है और इनको सपोर्ट करना है लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए क्योंकि आप लोगों की प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है मतलब हम कैसे हालात है हमारे हम कैसे रह रहे हैं हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम है मतलब ऐसा होता है कि हम खुश रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पूरी लाइफ खुश मतलब इतनी खुशी भरी है ये भी नहीं है दुख भरी भी नहीं है क्योंकि दुख और सुख तो हम दो मतलब हम इंसानों का जन्म सिद्ध अधिकार बोलते हैं क्या बोलते हैं वैसा है क्योंकि हम जब पैदा होते हैं ना तभी लेके आते हैं वो तो हर किसी के पास होता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी ज़्यादा है इसीलिए आप लोग हमारी वीडियो देखो और मेरे को इतना मतलब मेरे को लगभग 2-3 साल से बोल रहे थे कि हिंदी में ब्लॉग बनाओ हमको अच्छे से पता नहीं चल रहा क्या बातें बोल के मगर कुछ बीच में ऐसी प्रॉब्लम आई कि मैं नहीं बता पाई और मैं ब्लॉग 2-4 महीने पहले मैं अच्छे से बना रहे थे हम लोग तो बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं रख पाए तो अब हम कंटिन्यू करेंगे रखेंगे आगे और आप लोगों का प्यार चाहिए देना है कि नहीं और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ के क्योंकि मेरी लाइफ कैसे है धीरे धीरे बताऊंगी आप लोग समझोगे क्योंकि मेरे हम 3 भाई बहन हैं जो चल फिर नहीं पाते कुछ भी नहीं होता हमसे तो जैसे खाना से लेकर हर चीज़ टॉयलेट तक का काम मम्मी को करना पड़ता है पापा को करवाना पड़ता है और मेरे को सांस में भी प्रॉब्लम है मैं खुद से सांस भी नहीं ले पाती मैं बाईपाप मशीन यूज़ करती हूँ और मेरे भाई बहन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि इतनी प्रॉब्लम है जो मतलब
शब्दों में मैं नहीं बता सकती, आप लोग समझोगे। वीडियो देखते रहना, प्यार दो, आप लोगों का प्यार चाहिए। और गाइस बहुत कुछ है जो अब आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, और बहुत कुछ दीदी ने बता दिया है। और आई होप कि आप लोग सभी प्यार करोगे, लाइक बोरा फैमिली को सपोर्ट दोगे, यही लाइक होप रखिए आप लोगों से। सो जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। सो इतना ही। सो आज चाहिँ बाबा चाहिँ बाहिर जानुभएको छ, हाम्रो अब यो पछि चाहिँ के हुन्छ राख्छौँ है त। एक बात भनेको क्या मतलब अब हिन्दी पे ब्लग आएंगे, आप देखना आपको बहुत कुछ समझ में आएगा हमारे बारे में। हिंदी नेपाली दोनों पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि हिंदी में बनाओ, हिंदी में आपकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आते आए, ये चीज़ बोल रहे थे। तो कोशिश करेंगे हिंदी में भी बनाने की और नेपाली में भी बनाने की। बाहर जानु भएको छ, यहाँ मम्मी चाहिँ खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ। के बनाउँदै हुनुहुन्छ? तरकारी बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा चाहिँ बाहिर जानुभएको छ, दाइगै सोध्नु भयो।